तो आपने डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं और उसके बाद मैं ले रहा हूँ आपकी एक्सरसाइज 4.2। और उसका पहला क्वेश्चन है कि आपको एक डिटरमिनेंट दे रखी है, कितनी है, एन एम टू थ्री और इक्वल में है 0। तो आपको एल और एम का रेशो फाइंड करना है, इन दोनों का क्या बताना है, अनुपात बताना है। तो इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करिए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 3L, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 2M, इक्वल में क्या है 0। तो 3L, अब इसको 2M को उधर लेके जाएंगे, इधर माइनस का ट्रांसफर करेंगे किसका हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 2M इक्वल। अब हमें चाहिए L और M का रेशो, तो L को इधर रखें तो L अपॉन में क्या आ जाएगा इधर से M इक्वल, इधर क्या है 2 और इधर से क्या चला जाएगा अपॉन में 3। तो L अपॉन N और L और M का रेशो आया वो कितना आ गया 2/3 यानी 2:1। तो इसको लिख सकते हैं L रेशो M इक्वल 2:3। हमें रेशो फाइंड करना था और रेशो आपका यहाँ पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए कि यहाँ पे डिटरमिनेंट दे रखी है ये वाली और इसके द्वितीय पंक्ति के यानी कि सेकंड जो रो है आपकी ये वाली सेकंड रो है इसके सापेक्ष आपको इसकी उपसारणिक माइनर्स निकालने हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, जैसे इसकी निकाल 3 तो ये कौन सा है a11 a12 a13 a21 a21, ये वाला एलिमेंट है और ये कितना है 3 की उपसारणिक। कैसे निकालेंगे तो इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ छोड़ देंगे, इसकी रो और इसका कॉलम छोड़ देंगे तो क्या बचेंगे 3 4 8 9, 3 4 8 और 9, ये क्या होगी इसकी उपसारणिक होगी। ऐसी निकालें हम इसके लिए तो a22 यानी इसका जो एलिमेंट है वो कितना है 6 की उपसारणिक क्या आएगी। तो इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़ दें, इसकी पंक्ति ये वाली, इसका स्तंभ ये वाला, तो 2 4 1 9 2 4 1 और 9। अब निकालेंगे 5 के लिए तो ये कौन सा अवयव है a23 वो कितना है 5 की उपसारणिक निकालिए क्या निकलेगी। अब इसकी पंक्ति इसकी रो और इसका कॉलम छोड़ देंगे तो 2 3 1 8 2 3 1 और 8, ये हमें इसकी द्वितीय पंक्ति की चाहिए थी, हमने द्वितीय पंक्ति की उपसारणिक निकाल ली। यदि प्रथम पंक्ति के लिए पूछे तो प्रथम पंक्ति के लिए निकाल देंगे, द्वितीय के लिए तो द्वितीय के लिए निकाल देंगे, तृतीय के लिए पूछे तो तृतीय के लिए निकाल देंगे, और यदि किसी कॉलम के सापेक्ष पूछे तो भी हम उस हिसाब से इनको निकाल सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपको डिटरमिनेंट दे रखी है ये वाली और इसका आपको मान निकालना है, इसको सॉल्व करना है। देखिए कैसे करेंगे, इसका एक तरीका तो ये है कि किसी भी एक पंक्ति या फिर किसी के स्तंभ के साथ आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यदि इसमें हम ऑपरेशन लगा दूँ, संक्रिया लगा दूँ, तो ये और भी ज़्यादा हमें सॉल्व करने में इसमें आसानी हो जाएगी। देखिए कैसे, यहाँ पे जो लिख रहा है आपका 13 16 19 14 17 20 15 18 और 21, अब यदि मैं इसमें ऑपरेशन ये लगा दूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो 14 17 20, ऊपर है 13 16 19, यानी कि इससे एक एक ज़्यादा है बस, या 14 है तो यहाँ 13 है, या 17 है तो यहाँ 16 है, या 20 है तो यहाँ पे 19 है। ऐसे यहाँ पे देखिए ये वाली जो लाइन है वो इससे एक ज़्यादा है, 15 14 18 17 21 20, एक एक ज़्यादा है। तो यदि मैं उन दोनों को सेम कर दूँ, तो यदि कोई दो पंक्तियाँ दो स्तंभ यदि समान हो जाए, तो मैंने प्रॉपर्टी बताई उसका जो डिटरमिनेंट होती है उसका सारणिक होती है, उसका मान क्या हो जाता है राइट 0 हो जाता है। देखिए यदि ये वाली आपकी रो फर्स्ट यानी कि पहली पंक्ति, ये वाली है रो सेकंड यानी दूसरी पंक्ति, और ये वाली है रो थर्ड यानी तीसरी पंक्ति। अब यदि मैं R2 की जगह पे ये काम करूं, R2 की जगह पे काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं कि यदि R2 में से घटा दें किसको R1 को, यदि R2 में से घटा दें R1 को, तो देख रहे 14 में तो घटाएंगे 13 1, 17 में 16 घटाएंगे 1, 20 में से 19 माइनस करेंगे 1, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1 1 1 1। और सेम टू सेम R3 की जगह पे मैं थोड़ा सा यही काम करूँ, क्या काम करूँ कि R3 में से घटा दें किसको R2 को, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 1 1, समान बने बचेगा, देखना जरा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं R2 की, जो R1 की जगह पे कोई बात नहीं हो रही, तो R1 तो जैसा वैसा ही रहेगा 13 16 एंड 19।
अब देखिए R2 की जगह पे क्या कर रहे हैं हम, R2 में से माइनस कर रहे हैं R1 को, तो ये तो R2 है, इसमें से माइनस करेंगे R1 को। तो देखो 14 में से 13 माइनस होगा कितना बचेगा, एक। 17 में से 16 माइनस होगा कितना बचेगा, एक। 20 में से 19 माइनस होगा कितना बचेगा, एक। इधर आ जाए R3, ये वाली R3 है इस, अब देखिए R3 की जगह पे क्या कर रहे हैं, R3 में से माइनस कर रहे हैं किसको, R2 को, यानी कि ऊपर वाली लाइन को। 15 में से 14 माइनस होगा कितना बचेगा, एक। 18 में 17 माइनस हो कितना बचेगा, एक। 21 में से 20 माइनस हो कितना बचेगा, एक। अब आपको एक प्रॉपर्टी याद आ रही होगी कि यदि किसी डिटर्मिनेंट में, यदि किसी सारणिक में कोई भी दो पंक्ति या फिर कोई भी दो स्तंभ, यदि किसी सारणी में कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम यदि इक्वल इक्वल हो जाए, समान समान हो जाए, तो उनका जो मान होता है, उस डिटर्मिनेंट का मान होता है वो क्या होता है, हमेशा जीरो। तो अब यहाँ पे देखिए ये दोनों जो पंक्तियाँ हैं वो दोनों कैसी हो गई, समान। अतः इसका मान जो होगा डायरेक्ट वो क्या हो जाएगा, आंसर निकल के क्या आ जाएगा, जीरो। अब चाहे तो यहाँ पे इसका कारण भी लिख सकते हैं, अब चाहे तो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो भी आंसर जीरो ही आएगा, लेकिन मैं थोड़ा आसान बनाने के लिए क्या कर दिया हमने, इसमें प्रॉपर्टीज लगा दी, संक्रियाएँ लगा दी। अब यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि आप यही वाली सेम प्रॉपर्टी लगाएं, आप अपने हिसाब से कुछ भी लगा सकते हैं, आंसर आपका सही आएगा। जैसे देखो मैं और बताऊँ इसी को, कोई दूसरा तरीका बताऊँ जिसमें, देखो जैसे जैसे मैंने R2 की जगह पे तो लगाया क्या, कि R2 में से माइनस कर दिया किसको, R1 को, यही लगाया मैंने जैसे। और यदि मैं R3 की जगह पे लगाना चाहूँ, जैसे इसकी जगह पे कोई और लगाना चाहे, अपने हिसाब से आप कुछ भी लगा सकते हैं, आपको जो आसान लगे। R3 में से मैंने R2 को माइनस किया, जैसे मैं R3 में से माइनस कर दूँ किसको, R1 को, ये वाली ऊपर, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, सबसे पहले तो ये सेकेंड मेथड है, R2 ये वाली है, R2 रो सेकेंड, इसमें से माइनस कर रहे हैं किसको, R1 को। तो 14 में से 13 माइनस होगा, ऊपर वाली तो सेम रहेगी, 13, 16 और 19। देखिए 14 में से 13 माइनस होगा 1, 17 में से 16 माइनस होगा 1, 20 में से 19 माइनस होगा 1। अब देखिए अब क्या कर रहे हैं, R3 में से माइनस कर रहे हैं किसको, R1 को, R3 में से माइनस कर रहे हैं R1 को। देखिए 15 में से 13 माइनस होगा 2, 18 में से 16 माइनस होगा 2 और 21 में से 19 माइनस होगा 2, ये आ जाएगी। अब देखिए अब आपको ये पता होगा कि किसी सारणिक में से, किसी डिटर्मिनेंट में से, किसी भी पंक्ति या फिर किसी एक स्तंभ में से कोई भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए यदि मैंने क्या किया, R3 से जो रो थर्ड है, R3 से क्या ले रहे हैं, दो कॉमन ले रहे हैं, दो कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर, R3 में से दो कॉमन ले रहे हैं, दो कॉमन ले लीजिए तो ये कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, तो यह दो बार आ जाएगा और क्या बचेगा, 13, 16, 19, 1, 1, 1, जब दो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1, 1, 1। अब देखिए 2 × 2, यहाँ पे दो पंक्ति क्या हो गई, समान। यदि किसी डिटर्मिनेंट में, किसी सारणिक में दो पंक्ति या फिर दो स्तंभ यदि समान हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट यानी सारणिक का मान क्या हो जाता है, जीरो। तो अब इसका मान क्या हो गया, जीरो, और 2 × 0 करेंगे तो भी क्या आएगा, जीरो। तो आप कोई सी भी अपनी तरफ से संक्रिया लगाएं, आंसर कैसा आएगा, सेम ही आएगा। कोई जरूरी नहीं आप संक्रियाओं को याद रखें या फिर रट लें इनको, आप अपनी तरफ से कोई भी संक्रिया लगा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, एक प्रॉपर्टी है कि यदि कोई डिटर्मिनेंट है, कोई सारणिक है, और उसका जैसे कि माना कि मैं एग्जांपल ले लूँ, 1, 2, 3, 0, 2, 4, 1, 5, 3, ये कोई डिटर्मिनेंट ले लिए मैंने, और यदि इसमें प्रथम व तृतीय स्तंभों को आपस में बदल दें, तो ये तो फर्स्ट कॉलम है और ये वाला थर्ड कॉलम, अब इन दोनों को एक दूसरे को एक्सचेंज कर दें, इसको यहाँ रख दें, इसको यहाँ रख दें, बदल दें, तो सारणिक के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी, आंसर निकल के आएगा, उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए अब जैसे मैं इस हिसाब से इसका आंसर निकालना चाहूँ, इस हिसाब से मैं इसका आंसर निकालूँ, देखिए 1, अब इसकी पंक्ति, इसका स्तंभ छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 2, 4, 2, 4, 5, 3। अब ये आता है, ये तो था A11, ये A12 और ये A13। तो एक तो 1-1 था, तो यहाँ पे 1+i+j1 करेंगे तो 2 सम हो जाएगा, यहाँ पे 3 होगा तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस, क्योंकि 1+2 करेंगे 3, तो ये हो जाएगा -2, और इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़ देंगे, इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ छोड़ देंगे, क्या बचेगा, 0, 4, 1, 3, 0, 4, 1 और 3,
और तीन के साथ निकालें तो इसकी पंक्ति, इसका स्तंभ छोड़ देंगे तो दो जीरो दो एक पाँच, जीरो दो एक और पाँच। इसको सॉल्व करें, अब क्या आएगा निकल के देखना। एक इंटू दो का मल्टीप्लाई तीन से करेंगे छः, माइनस पाँच इंटू चार करेंगे बीस, माइनस दो इंटू ये करेंगे जीरो, माइनस फोर बन जाए फोर, प्लस तीन जीरो माइनस टू बन जाए टू। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा वन इंटू वन से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का कितना आ जाएगा फोर्टीन, और यहाँ बचेगा माइनस दो, माइनस दो और माइनस दो तो प्लस के कितने हो जाएंगे चार, इंटू करेंगे टू टू या फोर, और थ्री का माइनस दो में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के कितने आएंगे सिक्स। उसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, प्लस का तो है चार और माइनस के कितने हैं ट्वेंटी, तो माइनस के कितने बचेंगे सिक्सटीन, ये इसका आंसर आया। जब पहला स्तंभ और तीसरा स्तंभ अपनी जगह पे, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रथम स्तंभ में तृतीय स्तंभ को एक दूसरे से एक्सचेंज कर दो, बदल दो, तो बदल के देखते हैं देखना क्या होगा। तो इसको यहाँ रखें तीन चार तीन, इसको तो यहाँ ले आए, इसको यहाँ ले आओ, बीच वाला जब अपनी जगह पे ही है दो दो पाँच, और इसको ले आए यहाँ पर वन जीरो वन वन जीरो वन। आप सॉल्व करके देखें तो देखो तीन, इसकी पंक्ति इसका स्तंभ छोड़ देंगे तो टू बन जाए टू, माइनस फाइव इंटू जीरो करेंगे तो जीरो, अब माइनस टू आएगा बीच में, और इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़ देंगे फोर बन जाए फोर, माइनस जीरो इंटू थ्री करेंगे तो जीरो, प्लस वन आ जाएगा, और इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़ देंगे ट्वेंटी फोर फाइव जा ट्वेंटी और थ्री टू जा सिक्स, माइनस का सिक्स आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा थ्री इंटू टू करेंगे सिक्स, और माइनस टू इंटू फोर करेंगे माइनस का एट, और ट्वेंटी में से सिक्स माइनस होगा कितना बचेगा फोर्टीन, प्लस का फोर्टीन, तो ये निकल गया कितना आ जाएगा, प्लस के हैं ट्वेंटी और माइनस का है एट, प्लस के हैं ट्वेंटी माइनस का है एट, कितना बचेगा ये बचेंगे प्लस के ट्वेल्व, और नहीं यहाँ पर फोर्टीन और हाँ एट आएगा माइनस का, प्लस का एट क्योंकि फोर टू जा एट, तो ये बचेगा यहाँ पे प्लस का है एट और माइनस के हैं ट्वेंटी, ये बचेगा ट्वेल्व। तो यहाँ पे आ रहा था माइनस ट्वेल्व और यहाँ पे कितना आ गया प्लस का ट्वेल्व, तो कॉलम चेंज करने से क्या फ़र्क पड़ा, बस इसका जो साइन है वो बदल गया, चिन्ह बदल गया, यहाँ पे आया माइनस का और यहाँ पे किसका आया है प्लस का। और ये एक प्रॉपर्टी भी थी, मैंने कराई भी थी, आपको बताया भी था प्रॉपर्टी जब कराई थी, कि यदि किसी पंक्ति किसी डिटर्मिनेंट में किसी सारणिक में कोई भी एक पंक्ति या फिर कोई भी स्तंभ को एक दूसरे को एक्सचेंज कर दें या बदल दें तो उसमें बस इतना सा फर्क आएगा कि उसका जो मान का जो चिन्ह आंसर निकल गया उसका जो चिन्ह है वो क्या होगा बदल जाएगा, यदि यहाँ पे प्लस आ रहा होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, यदि यहाँ पे माइनस आ रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा। अब देखिए यहाँ पे आ रहा था माइनस और चेंज करने पे किसका आया है प्लस का, तो आंसर यही है इसका कि सारणिक का सारणिक के मान का क्या हो जाएगा चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, बस ये इतना सा इसका आंसर, ये मैंने आपको प्रूव करके भी बता दिया इसको। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर पाँच है। अब आपको यहाँ से आगे वाले सारे क्वेश्चन क्या करने पड़ेंगे, प्रूव करने पड़ेंगे, सिद्ध करने पड़ेंगे, तो अब हमें प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी, प्रॉपर्टी हमें लगानी है। देखना बहुत ज़्यादा आसान है ये क्वेश्चन, बस एक बार आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लें। देखिए कैसे हमें इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके और ये वाली लेके आनी है, ये हमें प्रूव करना है, और ये वाले क्वेश्चन आपके ऐसे एग्जाम में आते हैं इस चैप्टर से। तो देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर अपनी तरफ से कोई भी एक ऐसी प्रॉपर्टी लगाओ, कोई एक ऐसी संक्रिया लगाओ ताकि ऐसा आ जाए, ये वाला निकल के आ जाए, इसको सॉल्व करें। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, और यदि x माइनस वाई हम निकालें तो देखिए यहाँ पे है वाई जेड और यहाँ पे क्या है जेड एक्स, तो दोनों में जेड क्या है कॉमन है। यदि मैं वाई जेड में से माइनस कर दूं जेड एक्स को और दोनों में से माइनस जेड कॉमन ले लें तो जो माइनस का है, माइनस का कॉमन ले लिया तो जो माइनस का है वो तो प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का है वो किसका बचेगा माइनस का बचेगा, तो क्या बचेगा एक्स माइनस वाई। तो यदि मैं ऐसा काम कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा एक्स माइनस वाई, और इस पंक्ति में से एक्स माइनस वाई क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए यदि ये वाली तो है आर वन रो फर्स्ट, ये वाली है आर टू रो सेकेंड, और ये वाली है आर थ्री रो थर्ड यानी पंक्ति तीसरी। यदि मैं आर वन की जगह पे ये संक्रिया लगाऊं क्या
कि मैं आर वन में से माइनस कर दूँ किसको, आर टू को, तो ये वाला काम हो जाएगा हमारा, एक्स माइनस वाई हमें मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, वाई माइनस एक्स यहाँ से भी आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो वही एक्स माइनस वाई आ जाएगा। तो यदि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, आर वन में से माइनस कर रहा हूँ किसको, आर टू को, ये किसकी जगह पे कर रहे हैं हम, ये कर रहे हैं आर वन की जगह पे। और यदि हमें क्या चाहिए, बाई माइनस जेड भी चाहिए, बाई माइनस जेड कैसे आएगा, देखिए इसमें से यदि इसको माइनस कर दें तो देखिए एक्स कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, जेड माइनस बाई, माइनस कॉमन ले लेंगे तो वाई माइनस जेड, और वाई माइनस जेड मिल जाएगा हमें। तो आर टू की जगह पे भी ये संक्रिया लगा दो, क्या कि आर टू में से भी माइनस कर दो किसको, आर आर टू में से माइनस कर दो किसको, आर थ्री को, नीचे वाले दो संक्रिया हमें लगाई है। आर वन की जगह पे क्या लगाया है, इसकी जगह पे, इसकी जगह पे तो ये लगाया है कि आर वन में से हम इसमें से माइनस करेंगे किसको, आर टू को, नीचे वाली लाइन, ठीक है। और आर टू की जगह पे, इसकी जगह पे किसको माइनस करेंगे, नीचे वाले को, ये हमें ऐसा देख के पता चलेगा कि किस में से क्या माइनस करना है। देखिए अब आर वन और आर टू की जगह पे काम करना है, आर थ्री से कुछ नहीं कहेंगे, वो जैसी है वैसी रहेगी, वन एक्स वाई और एक्स प्लस वाई, वो जैसी है वैसे की वैसे। अच्छा अब ऊपर आ जाओ, आर वन में से माइनस करो किसको, आर टू को, आर वन की जगह पे, इसकी जगह पे काम करना है, आर वन वन है, इसमें से माइनस करेंगे वन को, वन में से वन माइनस करेंगे क्या बचेगी, जीरो, इधर आ जाए, आर वन यानी कि वाई जेड, इसमें से माइनस करना है आर टू को, यानी कि आर टू की जगह पे क्या है, जेड एक्स, इधर आ जाए, वाई प्लस जेड, इसमें से माइनस करना है किसको, जेड प्लस एक्स को, इसमें से माइनस करना है जेड प्लस एक्स को, नीचे आ जाए। अब R2 की जगह पे क्या करना है, R2 में से माइनस करना है किसको, R3 को, तो 1 में से 1 माइनस होगा क्या बचेगा, 0, और ZX इसमें से माइनस करना है किसको, X तो Y को, तो यहाँ पे आ जाए, Z प्लस X इसमें से माइनस करना है किसको, X प्लस Y, बाकी जो तीसरी पंक्ति है उस वो तो जैसी की तैसी, एक्स वाई इधर, इधर क्या है, X प्लस Y, इससे हमने कुछ नहीं कहा। अब इसको माइनस करिए, देखिए कैसे, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे तो जीरो ही बचेगी, यहाँ पे देखिए इन दोनों में से हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x माइनस वाई, ना कि y माइनस x, इसलिए क्या करें, दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, वो भी क्या लेंगे, माइनस का z, तो माइनस का z कॉमन आ गया, तो माइनस का z कॉमन आया है, तो यहाँ पे प्लस का तो बचेगा x, और माइनस का क्या बचेगा, y, क्या बच गया, x माइनस वाई, ऐसे ही यहाँ पे देखिए, अब y प्लस z, ये तो जैसा है वैसा ही रहने दें, y प्लस जेड, अब माइनस का साइन है तो अंदर के चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे, तो माइनस का हो जाएगा जेड, और माइनस का ही क्या हो जाएगा, x, नीचे आए, जीरो, यहाँ पे देखिए दोनों में से कॉमन क्या ले सकता हूँ मैं, x, लेकिन किसका लूँगा, माइनस का, क्यों, क्योंकि हमें y माइनस एक्स चाहिए, सॉरी y माइनस जेड चाहिए, तो यहाँ पे माइनस का x कॉमन ले, तो माइनस का y तो हो जाएगा प्लस का y, और जेड और किसका हो जाएगा, माइनस का, ऐसे यहाँ पे आए, देखिए जेड प्लस एक्स तो जैसा है वैसा ही, और माइनस है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, तो एक्स माइनस किसका हो जाएगा, वाई का, यहाँ पे नीचे वाला सेम वन एक्स वाई, और यहाँ पे एक्स प्लस वाई, ये तो जैसा है वैसा ही। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, प्लस का जेड और माइनस का जेड क्या हो गया, कैंसल, प्लस का एक्स और माइनस का एक्स क्या हो गया, कैंसल, क्या बच गया, देखिए यहाँ पे बच गया हमारे पास वन जीरो 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 माइनस जेड और एक्स माइनस वाई, और इधर बच गया वाई माइनस एक्स, इधर हमें इधर एक्स माइनस वाई है, इधर क्या है, वाई माइनस एक्स, तो इसमें से भी यदि मैं माइनस कॉमन ले लूँ, इसमें से भी हम माइनस कॉमन ले लें, तो जो माइनस का है वो तो हो जाएगा प्लस का, और जो प्लस का वाई है वो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो देखिए अब इस पहली पंक्ति में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स माइनस वाई, क्योंकि हमें x माइनस वाई चाहिए, ठीक है जी, नीचे आ जाए, जीरो, यहाँ पे है माइनस एक्स और वाई माइनस जेड, माइनस एक्स और वाई माइनस जेड। अब देखिए यहाँ पे वाई माइनस जेड है और हमें भी वाई माइनस जेड ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे है जेड माइनस वाई, तो यहाँ से भी कॉमन क्या ले लें, माइनस, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो जो माइनस का वाई है वो तो हो जाएगा प्लस का वाई, और जो प्लस का जेड है वो किसका हो जाएगा, माइनस का जेड, माइनस कॉमन लेने से, और नीचे का जैसा वैसा ही, वन एक्स वाई और एक्स प्लस वाई, वन
एक्स वाई और एक्स प्लस वाई। अब देखिए यदि मैं यहाँ पे पहली पंक्ति से क्या कॉमन ले सकते हैं x माइनस वाई, दूसरी पंक्ति से क्या कॉमन ले सकते हैं y माइनस जेड, ये काम कर लो। प्रथम पंक्ति से, प्रथम पंक्ति से क्या कॉमन ले रहे हैं x माइनस वाई, तथा द्वितीय पंक्ति से, द्वितीय पंक्ति से क्या कॉमन ले रहे हैं y माइनस जेड, क्या लेने पर, कॉमन लेने पर ले लीजिए। तो देखिए x माइनस वाई ले लिया प्रथम पंक्ति से और y माइनस जेड ले लिया द्वितीय पंक्ति से, तो यहाँ पर जीरो से कॉमन लेने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो तो जीरो ही रहेगा। और यहाँ पर ये कॉमन में चला गया, क्या बच गया माइनस जेड, यहाँ पर ये कॉमन में चला गया, क्या बच गया माइनस वन, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर कॉमन में चला गया, क्या बच गया माइनस एक्स, ये भी कॉमन में गया, क्या बच गया माइनस वन, और नीचे का जैसा है वन एक्स वाई और एक्स प्लस वाई। अब देखिए यहाँ पे, अब यदि मैं इसको प्रथम कॉलम के साथ, प्रथम स्तंभ के साथ, फर्स्ट कॉलम के साथ यदि मैं सॉल्व कर दूँ, देखिए यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो, तो ये तो दोनों जीरो हो जाएंगे, इसके साथ हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, अब देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, इसका प्रथम जो फर्स्ट जो कॉलम है उसके सापेक्ष क्या कर रहे हैं प्रसार। अब फर्स्ट कॉलम के साथ ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दो जीरो ऑलरेडी आ चुकी है, तो उनको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। तो लिखिए प्रथम, प्रथम स्तंभ के साथ, प्रथम स्तंभ के साथ प्रसार करने पर, प्रसार करने पर, प्रथम इसके साथ प्रसार करेंगे तो ये तो जैसा वैसे रहेगा x माइनस वाई, और यहाँ पे है y माइनस जेड। और देखिए अब इसके साथ करेंगे तो जीरो हो जाएगा टोटल, इसके साथ कर लीजिए एक साथ, देखिए जीरो, इसके साथ कोई भी चीज़ और आएगी तो मल्टीप्लाई में जीरो हो जाएगा, इसके साथ भी जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा ओनली वन, वन बचेगा। इसकी पंक्ति छोड़ दें, इसका स्तंभ छोड़ दें, तो क्या क्या बच गया, ये बच गया माइनस जेड का मल्टीप्लाई माइनस के वन में करेंगे तो प्लस का जेड, माइनस माइनस एक्स का माइनस के वन में करेंगे तो प्लस का एक्स, ये बचेगा, तो क्या बच गया एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और यहाँ पे वन से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही बचेगा जेड माइनस एक्स। तो हमने सॉल्व करके क्या ले आए, ये वाला जो हमें प्रूव करना था वही हमारा आ चुका है, ये सॉल्व हो चुका है। फिर से देख लें इसको, सबसे पहले क्या किया हमने, R1 की जगह पे लगाया R1 माइनस R2, यानी कि R1 में से माइनस कर दिया किसको, R2 को, इसमें से वन में से वन माइनस कर दिया जीरो, इसमें से ये माइनस किया है और इसमें से ये माइनस कर दिया, और R2 की जगह पे लगाया R2 में से किसको माइनस कर दिया R1 को, R3 को, तो यहाँ पे ये आ गया, इसको सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे आने के बाद, अब यहाँ पे दो जीरो आ चुकी हैं ऑलरेडी, तो यदि दो जीरो आ गई तो उसको आसान जो प्रसार है उसको निकालने में और भी ज़्यादा आसान होगी, आसानी होगी। तो प्रथम जो कॉलम है उसके साथ हमने क्या कर दिया, इसका प्रसार कर दिया, और हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर छः देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर छः है, आपको एक डिटरमिनेंट दे रखी है, इसका आपको क्या निकालना है, मान निकालना है, इसको सॉल्व करना। तो पहले ऐसा करिए, इसको थोड़ा और इजी कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे है जीरो बी स्क्वायर ए, और देखिए पहले कॉलम में, देखिए पहले कॉलम में से, यानी कि फर्स्ट जो स्तंभ है उसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, दूसरे में से बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, और तीसरे में से सी स्क्वायर क्या ले सकते हैं कॉमन ले लीजिए। प्रथम, प्रथम स्तंभ से ए स्क्वायर तथा द्वितीय स्तंभ से बी स्क्वायर तथा तृतीय स्तंभ से, तृतीय स्तंभ से सी स्क्वायर क्या लेने पर, कोमन लेने पर, कोमन लेने पर, कोमन लेंगे। तो देखिए पहले से ले लिया ए स्क्वायर दूसरे इंटू, दूसरे ले लिया बी स्क्वायर इंटू, तीसरे से ले लिया सी स्क्वायर, तो इससे ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर तो जीरो, यहाँ पर क्या बचेगा बी, और यहाँ पर क्या बचेगा सी, बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा ए, यहाँ पे जीरो और यहाँ पे बचेगा सी, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे जीरो। अब देखिए प्रथम पंक्ति से ए, द्वितीय पंक्ति से बी और तृतीय पंक्ति से सी कॉमन, प्रथम पंक्ति से ए कॉमन द्वितीय से
द्वितीय से बी कॉमा तृतीय से क्या कॉमन लेने पर सी कॉमन लेने पर लीजिए कॉमन, तो यहाँ पे लेंगे तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो पहले से था इनटू प्रथम से ले रहे हैं ए द्वितीय से ले रहे हैं बी और तृतीय से ले रहे हैं सी, तो यहाँ पे क्या बचेगा यहाँ पे तो जीरो कॉमन ले लिया एक एक यहाँ पे एक जीरो एक और यहाँ पे एक एक जीरो। अब इसको किसी भी एक पंक्ति या फिर किसी भी स्तंभ के साथ क्या कर लीजिए प्रसार कर दीजिए। देखिए अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू ए बी सी तो ये क्या हो जाएगा ए क्यू बी क्यू सी क्यू मल्टीप्लाई होगा क्यों हो जाएगा ए क्यू बी क्यू और सी क्यू। अब यहाँ पे देखिए तो मैं क्या कर रहा हूँ प्रथम पंक्ति के साथ प्रसार कर रहे हैं यहाँ पे लिख दें आप चाहें तो प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करने पर प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार तो देखिए ये तो बाहर रखा रहेगा। अब यहाँ पे देखिए जीरो के साथ करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा फिर आएगा वन तो माइनस कर लीजिए पहले जीरो के साथ तो इसकी पंक्ति इसका स्तंभ छोड़ देंगे तो ये चार बच जाएंगे जीरो का मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे जीरो वन का वन से करेंगे तो वन तो जीरो माइनस वन। अब यहाँ पे आएंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा माइनस वन इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ छोड़ देंगे तो एक 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 जीरो वन का जीरो से करेंगे जीरो माइनस और वन का वन से करेंगे वन ये आ जाएगा और प्लस वन प्लस वन इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़ देंगे इसकी पंक्ति ये इसका स्तंभ ये तो वन माइनस जीरो तो वन आएगा इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यू बी क्यू सी क्यू इन टू ये तो हो जाएगा जीरो यहाँ बचेगा माइनस वन इंटू माइनस वन मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का वन और यहाँ पे वन तो ये हो जाएगा वन प्लस वन और वन प्लस वन करेंगे क्या हो जाएगा टू तो ये आंसर आ जाएगा टू ए क्यू बी क्यू और सी क्यू। हमें इसका आंसर निकालना था इसका आंसर मान निकालना था मान आ चुका है टू ए क्यू बी क्यू सी क्यू। तो क्वेश्चन नंबर सात है कि आपको समीकरण को हल करना है इसका मान निकालना है यानी कि इसमें जो x दे रखा है उस x का मान हमें निकालना है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और ये कई बार ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। तो देखिए हमें कैसे भी करके यहाँ पर क्या करना है कैसे भी करके इसमें से जो बहुत सारे x दे रखे हैं साथ साथ में वो सब x को हटाना है और ओनली एक x को रखना है ताकि हम उसका मान निकाल सकें क्योंकि यदि और x रहेगी तो उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर भी हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा तो और दिक्कत आएगी आपको सॉल्व करने में इसलिए सभी x को हमें हटाना है। तो ऐसा हम क्या करेंगे इस हिसाब से संक्रियाएँ लगाओ कि ये जो x आपको दिख रहे हैं वो सारे x क्या हो जाएं हट जाएं। तो देखिए यहाँ पे x माइनस टू यहाँ पे x माइनस फोर यहाँ पे टू एक्स यहाँ पे भी टू एक्स यहाँ पे भी थ्री एक्स और यहाँ पे भी क्या है थ्री एक्स तो ये तो है फर्स्ट रो ये है सेकेंड रो और ये है थर्ड रो। अब यदि मैं R1 की जगह पे काम करूं कि R1 में से घटा दूं किसको R2 तो देखना x में से x माइनस होगा ये कैंसिल हो जाएगा x यहाँ पर 2x में से 2x माइनस होगा ये भी x कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर 3x में से 3x माइनस होगा ये भी क्या हो जाएगा x कैंसिल तो यानी कि R1 की जगह पे जितने भी x सारे वो क्या हो जाएंगे सारे हट जाएंगे सेम टू सेम ऐसे यहाँ पर x यहाँ पर x 2x 2x 3x 3x तो R2 की जगह पर क्या करो R2 में से माइनस कर दो किसको R3 को x में से x माइनस होगा तो ये भी x हट जाएगा यहाँ पे भी संख्या आएगी साथ में कोई दिक्कत नहीं लेकिन x हट जाएगा 2x में से 2x माइनस होगा तो ये भी x हट जाएगा 3x में से 3x माइनस होगा तो यहाँ से भी x हट जाएगा तो ये हमारा काम करने से इन दोनों लाइनों के x सारे हट जाएंगे बचेंगे इसकी उसकी बाद में सोचेंगे पहले ये सॉल्व करें। तो देखिए हटाओ आर वन की जगह पर काम कर रहे हैं आर वन में से माइनस कर रहे हैं किसको आर टू को तो देखिए एक्स माइनस टू इसमें से माइनस करेंगे किसको R2 R2 कितना है x माइनस फोर सेम टू सेम इधर आए 2x माइनस थ्री इसमें से माइनस करेंगे R2 को R2 कितना है 2x माइनस नाइन ऐसे इधर आए 3x माइनस फोर इसमें से माइनस करेंगे किसको R2 को R2 कितना है 3x माइनस सिक्सटीन ये आ जाएगा यहाँ पे इधर आ जाए R2 की जगह क्या काम करना है R2 में से R3 को घटाना है तो x माइनस फोर इसमें से घटाना है किसको R3 R3 कितना है x माइनस एट इधर आए 2x माइनस नाइन इसमें से माइनस करना है किसको 2x माइनस सेवनटीन को 27 को 2x माइनस ट्वेंटी सेवन ऐसे यहाँ पे आए 3x माइनस सिक्सटीन
इसमें से माइनस करना है कितने को, 3x माइनस 64 और नीचे का जैसा वैसे x माइनस 8 और 2x माइनस 27 और 3x माइनस 64। अब देखिए इसको सॉल्व करें आगे, तो x माइनस 2 और माइनस, अब अंदर के साइन क्या होंगे, चेंज होंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो x ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 4 इधर आए, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 और ये माइनस है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, माइनस का हो जाएगा 2x और माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस का 9 इधर आए, 3x माइनस 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस का 3x और प्लस का 16 ऐसे इधर आए, एक्स माइनस 4 और माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 इधर आए, 2x माइनस 9 और ये हो जाएगा माइनस का 2x और माइनस माइनस प्लस का 27 ऐसे यहाँ पे 3x माइनस 16 और माइनस 3x प्लस 64 इधर आ जाए, नीचे का जैसा वैसे x माइनस 8 और 2x माइनस 27 और 3x माइनस 64। अब देखें ये वाला x से x कैंसिल, ये वाला 2x से 2x कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल हो गए सारे, x से x कैंसिल हो गया, 2x से 2x कैंसिल हो गया, 3x से 3x कैंसिल हो गया, तो देखिए क्या बच गया, अब हमारे पास बचा है, देखिए यहाँ पे क्या बचा, प्लस का 4 और माइनस का 2, तो प्लस के 2 बचेंगे इधर आ जाए, प्लस के 9 और माइनस का 3 तो प्लस के 6 बचेंगे यहाँ पे आए, प्लस का 16 और माइनस के 4 तो प्लस के 12 बचेंगे यहाँ पे, प्लस के 8 और माइनस के 4 प्लस के 4 बचेंगे, प्लस के 27 और माइनस के 9 तो प्लस के कितने बचेंगे 18 और 64 प्लस का है और माइनस के कितने हैं 16 कितने बचेंगे, तो ये बचेंगे 14 में से 6 गया तो 8 और 5 में से गया तो 4 48 किसके प्लस के, नीचे का जैसा वैसा ही x माइनस 8 और 2x माइनस 27 और 3x माइनस 64 ये नीचे का जैसा है वैसा ही रहेगा। अब देखिए r, अब जो लास्ट वाली लाइन है R3 उसमें देखिए इसमें और इक्वल में 0 और चल रही थी, सॉरी ये लिख देते हैं साथ में, इक्वल में चल रही है 0 यहाँ पे भी हम रख दिए इक्वल में 0 है। अब देखिए अब हमें इन तीनों में से भी x हटाने, बस कोई एक जगह पे x होना चाहिए, या तो यहाँ हो या फिर यहाँ पे हो या फिर यहाँ पे हो, तो ऐसा करिए इनको कैसे हटाया जाए, जैसे इसको मैं रखना चाहूँ तो इन दोनों को कैसे हटाया जाए, तो इसके लिए अपने हिसाब से संक्रिया लगाइए। देखिए ये वाला है C1 यानी कॉलम फर्स्ट, ये वाला है C2 यानी कॉलम सेकंड, द्वितीय स्तंभ है, और ये वाला तृतीय स्तंभ है यानी कि कॉलम थर्ड। अब हमें C2 और C3 की जगह पर से x को क्या करना है, हटाना है, तो C2 और C3 जगह पर से x को हटाने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ से इस x को कैसे हटाया जा सकता है, यहाँ पे है 2x और यहाँ पे क्या है x, तो मैं क्या करूँगा C2 की जगह पे काम करूँगा, और क्या काम करूँगा, C2 में से यदि मैं माइनस कर दूँ इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके, देखिए यहाँ पे कितना लिख रहा है 2x माइनस 27 इसमें से मैं यदि मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 × x - 8 तो ये मल्टीप्लाई होकर 2x - 8 16 हो जाएगा, तो 2x से 2x क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ C2 की जगह पे C2 में से माइनस कर रहा हूँ C1 में 2 का मल्टीप्लाई करके, यानी कि 2C1, उससे क्या होगा यहाँ पे भी 2x हो जाएगा, यहाँ पे भी 2x है, 2x में से 2x माइनस होगा तो क्या बचेगा 2x क्या हो जाएगा कैंसिल, एक नंबर निकल के आ जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं x को हटा रहे हैं ऐसे ही, तो यहाँ पे हट गया ठीक है। अब हमें हटाना है C3 से कैसे हटा सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है 3x और यहाँ पे क्या है x, यहाँ पे क्या है 2x, अब यदि C3 में से माइनस कर दूं इन दोनों को जोड़ के, C3 में से यदि इन दोनों को जोड़ के माइनस कर दे तो यहाँ पे क्या है 3x, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2x और x कितने x हो जाएंगे 3x और 3x में से 3x माइनस होगा तो क्या बचेगा x कैंसिल हो जाएगा, तो C3 की जगह पे हम क्या कर रहे हैं
C3 में से घटा रहे हैं किसको, C1 को और C2 दोनों को जोड़ के। अब देखिए आगे, इसको मैं यहां कर रहा हूं। तो देखिए अब वो C2 और C3 की जगह पे काम करेंगे, C1 जैसा है वैसा ही रहेगा, 2, 4 और x-8। C1 से कुछ नहीं कहेंगे, वो तो जैसा है वैसा ही रहेगा। अब C2 की जगह पे काम कर रहे हैं तो पूरे C2 में होगा, और C3 की जगह काम कर रहे हैं तो टोटल C3 में होगा। तो देखिए C2 यहीं से शुरुआत करेंगे, ये वाला पूरी लाइन C2 है, इसमें से माइनस करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे, 6 में से माइनस करेंगे 2 का मल्टीप्लाई करके, इधर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 = 4, 6 में से 4 माइनस हुआ कितना बचेगा 2, इधर आ जाए, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो 4 × 2 = 8, 18 में से घटाओ 8 को कितना बचेगा 10, इधर आ जाए, 2x-27, अलग से बता रहा हूँ ये रहा 2x-27, इसमें से इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x-16, अब घटाओ 2x-27, इसमें से घटाएंगे 2x-16, तो बाहर माइनस का साइन अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो हो जाएगा 2x+16, तो 2x से 2x क्या हो जाएगा कैंसल, माइनस के 27 और प्लस के 16 कितने बचेंगे, यहाँ पे बचेंगे माइनस के, घटाओ 1 और 2 में से 1 गया तो 1, माइनस के कितने बचेंगे 11, इधर आ जाए, C2 का काम हो गया। अब आ जाए C3 पर, ये वाला C3 है, देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, क्या करेंगे शुरुआत से ही करेंगे इधर भी क्योंकि पूरा C2 है, तो इसमें से माइनस करेंगे इन दोनों को जोड़ के, 12 में से घटाएंगे 6 और 2 दोनों को जोड़ो 8, 12 में से 8 माइनस होगा कितना बचेगा 4, इधर आ जाए, 18 और 4 कितने हो गए 22, 48 में से घटाओ 22 कितने बचेंगे 26, इधर आ जाए 3x-64, देखिए 3x-64 इसमें से घटाएंगे इन दोनों को जोड़ के, तो x और 2x कितने x हो गए 3x, और माइनस का 8 और माइनस के 27 कितने हो गए -35, तो माइनस करो तो ये हो जाएगा 3x-64 और -3x और -- क्या हो जाएगा +35, कितने बचेंगे 3x से 3x कैंसिल हो गया, माइनस के हैं 64 और प्लस के हैं 35, घटाओ कितने बचेंगे 14 में से 5 गया तो 9 और 5 में से 3 गया तो 2, तो माइनस के कितने बचेंगे 29, ये निकल के हमारे पास आ चुका है। अब इसे हम किसी भी एक पंक्ति या फिर किसी के स्तंभ के साथ क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे, देखिए अब इसको या तो आप यहीं भी प्रसार कर सकते हैं इसका किसी भी एक पंक्ति किसी के स्तंभ के साथ, लेकिन और आप उसको और इजी करना चाहें तो देखो पहली पंक्ति से क्या कॉमन ले सकते हैं 2, और दूसरी पंक्ति से भी क्या कॉमन ले सकते हैं 2, ले लीजिए पहली पंक्ति से 2 कॉमन लिया और दूसरी पंक्ति से भी क्या ले लिया 2 कॉमन, 2 × 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1, 1, 2, यहाँ पे से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2, 5 और 13 और नीचे का x-8 -11 और -29, ये जैसे ही वैसे ही रहेंगे। अब क्या कर रहे हैं हम प्रथम पंक्ति के साथ क्या कर लेंगे इसका प्रसार, R1 के सापेक्ष प्रसार कर, R1 के सापेक्ष प्रसार करिए, तो देखिए ये इसका कैलकुलेशन रह गया कि R1 के साथ हमने क्या कर दिया यहाँ पर प्रसार कर दिया, तो यहाँ पर 2 × 2 करेंगे 4 हो जाएगा और 1 इसकी पंक्ति इसका स्तंभ छोड़ देंगे, इन ये 4 रह गए, 5 का मल्टीप्लाई -29 से करेंगे तो -145 और 13 का इसमें करेंगे तो कितने आ जाएगा 143, माइनस का 1 आ जाएगा, इसकी पंक्ति इसका स्तंभ छोड़ देंगे तो ये 4 बच गए, 22 × 2 करेंगे तो -58 और 13 का, अब माइनस चिन्ह बीच में है लेकिन अब इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर के चिन्ह क्या हो जाएंगे बदल जाएंगे, 13 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो -13x, 13 का मल्टीप्लाई -8 से करेंगे तो -- क्या हो जाएगा +104 और प्लस का है 2, इसकी पंक्ति इसका स्तंभ छोड़ देंगे, 2 का मल्टीप्लाई -11 करेंगे -22 और माइनस अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस अंदर आ जाएगा प्लस के हो जाएंगे, -5 × x करेंगे तो -5x और -5 × -8 तो प्लस का कितना हो जाएगा 40 = 0। अब देखिए ये अपॉन में चला गया 0 के में, क्योंकि इक्वल में 0 है, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो 4/ में चला जाएगा 0 के में, तो क्या बन जाएगा 0, प्लस का है 143 माइनस का है 145 तो माइनस के कितने बचेंगे 2 और यहाँ पे 58 और 104
104, तो माइनस अंदर जाएगा प्लस के हो जाएंगे ये, और ये किसके हो जाएंगे माइनस के, तो माइनस के कितने बचेंगे 46, और माइनस माइन बार माइनस है, अंदर प्लस माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 39। यहाँ पे आइए, यहाँ पे 40 में से 22 माइनस होगा ये बचेगा, और 5x प्लस का है, इनटू करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा माइनस का 10x। 13x और 10x, 13x प्लस का है, 10x माइनस का है, कितने बचेंगे प्लस के 3x इक्वल। अब देखिए 46 और 2 48, इधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का। या फिर यहाँ देख लीजिए 46 और 42, 46 और 2 48 में से माइनस होगा प्लस का 36, तो माइनस के कितने बचेंगे 12, और माइनस 12 इक्वल के साइन के इधर जाएगा, ट्रांसफर होगी किसका हो जाएगा प्लस का। एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, 3 से डिवाइड हो गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 4। अब हमें इसका मान निकालना था, इसको समीकरण को हल करना था, यानी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, और एक्स की वैल्यू निकल के कितनी आ गई 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, कि आपको कोई भी विस्तार नहीं करना है, कोई भी प्रसार नहीं करना है, कोई भी आपको ऑपरेशन नहीं लगानी है, और आपको इसको प्रूव करना है कि ये तीनों कैसे हैं इक्वल हैं, ये आपको प्रूव करना है। देखिए मैंने क्या किया, बाईं ओर से ये जो लिख रहा है, इसको जैसे मान लिया, इस डिटर्मिनेंट्स को मान लिया डेल्टा 1, इस डिटर्मिनेंट को मान लिया डेल्टा 2, और इसको मान लिया डेल्टा 3। जैसे इसको मान लिया डेल्टा 1, इसको मान लिया मैंने डेल्टा 2, और ये जो डिटर्मिनेंट है साढ़ने के, इसको मान लिया मैंने डेल्टा 3। अब देखिए सबसे मैंने क्या किया, डेल्टा 1 को ले लिया। डेल्टा 1 क्या है हमारे पास, ए बी सी, ए बी सी, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, और पी क्यू आर, पी क्यू आर। देखिए बहुत आसान है, हमें डेल्टा 1 को डेल्टा 2 और डेल्टा 3 दोनों के बराबर करना है। यदि मैं डेल्टा 1 को डेल्टा 2 और डेल्टा 3 दोनों के बराबर कर दूं, तो डेल्टा 1 बराबर डेल्टा 2 बराबर डेल्टा 3 तीनों कैसे हो जाएंगे इक्वल, इक्वल समान समान हो जाएंगे। तो देखिए कैसे करें, यदि मैं डेल्टा 1 को डेल्टा 3 के बराबर करूं, जैसे यदि मैं डेल्टा 1 को डेल्टा 3 के बराबर करूं, तो देखिए डेल्टा 3 में जो एबीसी वाली लाइन है वो है यहाँ पे सेकंड सेकंड कॉलम। तो ऐसा करिए, तो पहले तो, और यहाँ पे एबीसी कहाँ है, पंक्तियों में, यहाँ पे तो है कॉलम में, और यहाँ में है रो में। यहाँ तो एबीसी वाली लाइन है वो तो है पंक्ति, और सॉरी स्तंभ है, और जो यहाँ जो एबीसी है वो किस में है, पंक्ति में है। तो इसी कीजिए, ऐसा कीजिए, पहले पंक्ति को स्तंभ बनाइए, और स्तंभ को क्या बदल देंगे, पंक्ति। मैंने एक चीज़ बताई है, सारणिक में किसी भी सारणिक की कोई भी पंक्ति और कोई भी स्तंभ को बदल दें, यदि पंक्तियों को स्तंभ में बदल दें और स्तंभ को पंक्तियों में बदल दें, तो सारणिक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो उसका मान जो है वही रहेगा। तो देखिए सारणिक के पंक्तियों को स्तंभ तथा स्तंभ को पंक्ति बनाने पर, स्तंभ को पंक्ति बनाने पर बना दीजिए, तो उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो जैसा वैसा ही रहेगा। तो देखिए ये जो पंक्ति है इसको स्तंभ बनाओ, तो ए बी सी एक्स वाई जेड और पी क्यू आर, ये पंक्तियों को किसमें चेंज कर दिया, स्तंभ में, और स्तंभ को किसमें चेंज कर दिया, पंक्ति में। इससे ये सारणिक के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए आगे, अब इसमें जो एबीसी वाली लाइन है, देखिए स्तंभ में चेंज हो गई, वो कहाँ पे है, C2 की जगह पे है, और यहाँ पे किसकी जगह पे है, C1 की जगह पे। तो ऐसा करिए, ये जो C1 है इसको लाइए C2 की जगह पे, और जो C2 है इसको ले जाइए C1 की जगह पे। यदि किसी सारणिक में कोई भी दो पंक्ति या फिर दो स्तंभ को एक दूसरे के स्थान पर बदलने पर सारणिक के मान का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो यहाँ पे यदि प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पे किसका चिन्ह आ जाएगा आगे, माइनस का। तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, C1 तथा C2 को बदलने पर या फिर स्थान परिवर्तन करने पर। तो देखिए करिए, तो डेल्टा 1 के मान पे क्या प्रभाव पड़ेगा, किसका चिन्ह आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा बस, बाकी ये वाली जगह आ जाएगी यहाँ पे, और ये वाला आ जाएगा यहाँ पे। तो एक्स वाई जेड तो आ जाएंगे यहाँ पे, एक्स वाई जेड, और ए बी सी चले जाएंगे इधर, ए बी सी, और पी क्यू आर आ जाएंगे इधर, पी क्यू आर। अब मिला के देखिए जरा बराबर हो गया कि अभी भी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो बी है वो तो है ऊपर, ए है वो कहाँ है, नीचे, लेकिन इसमें बी है नीचे और ए क्या है ऊपर। तो ऐसा करिए, ये जो पंक्ति है और ये पंक्ति है, इन दोनों का क्या कर दीजिए, स्थान परिवर्तन।
आर वन की जगह पे आर टू को ले आइए और आर टू की जगह पे आर वन को ले आइए। यदि किसी स्टार्टिंग में कोई भी दो पंक्ति या फिर कोई भी दो स्तंभ एक दूसरे के स्थान पर बदलें तो चिन्ह किसका आएगा आगे? माइनस का। तो माइनस तो पहले से चल रहा है और एक बार माइनस और आ जाएगा, तो बदल दीजिए। किसको बदल रहे हैं अब? आर वन और आर टू, आर वन की जगह पे आर टू को और आर टू की जगह पे आर वन को। देखिए डेल्टा वन, तो माइनस का पहले से माइनस और आ जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? ये तो चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा बाई बी क्यू और एक्स ए पी, ये आ जाएगा नीचे और जेड सी आर, जेड सी आर। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें, जैसा हो रहा है उसके हिसाब से हम सॉल्व करते जा रहे हैं। अब देखिए माइनस का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे छोड़ दो, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। अब देखिए डेल्टा वन जो आया है वो वाई बी क्यू, वाई बी क्यू एक्स ए पी, एक्स ए पी और जेड सी आर, जेड सी आर इसके बराबर ही आ गया। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि डेल्टा वन जो है वो किसके बराबर आ गया? डेल्टा थ्री के बराबर आ गया। डेल्टा वन किसके बराबर हो गया? डेल्टा थ्री के। अब यदि मैं डेल्टा वन को डेल्टा टू के भी बराबर कर दूँ तो डेल्टा वन बराबर डेल्टा टू बराबर डेल्टा थ्री। तो देखिए इसको रफ कर रहा हूँ मैं, आप नोट कर सकते हैं। हाँ जी, तो हमने डेल्टा वन को किसके बराबर कर लिया? डेल्टा थ्री के। ये तो हमने प्रूव ऑलरेडी कर लिया है। अब देखिए अब हम डेल्टा वन को डेल्टा टू के भी बराबर कर दूँ मैं तो डेल्टा वन बराबर डेल्टा टू बराबर डेल्टा थ्री, तीनों कैसे हो जाएंगे बराबर? तो देखिए कैसे करें, मैंने फिर से डेल्टा वन ले लिया, इसको मैं किसके बराबर करूँगा? डेल्टा टू के। तो देखिए इसमें जो है ए बी सी वाली लाइन वो कहाँ है? नीचे है, और इसमें कहाँ है? ऊपर है। यानी इसमें तो R1 पे है, इसमें कहाँ है? R3 पर है। तो R1 और R3, R3 को क्या कर दीजिए एक दूसरे की जगह पे बदल दीजिए। R1 की जगह पे क्या लिख देंगे? R3, और R3 की जगह पे क्या लिख देंगे? R1। करिए चेंज, तो ये हो जाएगा डेल्टा वन बराबर। ऐसा करने पे क्या होगा? चिन्ह किसका आ जाएगा? माइनस का। तो जो पी क्यू आर है वो तो आ जाएंगे ऊपर, पी क्यू आर, और ए बी सी कहाँ चले जाएंगे? नीचे, ए बी सी, और बीच वाली लाइन जैसी है वैसी, एक्स वाई जेड। अब आगे देखिए, अब हमें यहाँ पे ए बी सी नीचे है, यहाँ पे भी नीचे आ गया, और क्या बदल गया है? पी क्यू आर यहाँ पे तो है बीच वाली लाइन में, और यहाँ पे पी क्यू आर कहाँ है? ऊपर वाली लाइन में। तो इस वाली लाइन को क्या लिए? इसकी जगह पर, इस वाली जगह को इस वाली जगह, यानी कि आर वन को आर टू की जगह पर और आर टू को आर वन की जगह पर। ये भी चेंज कर दीजिए, आर वन को कर रहे हैं आर टू की जगह पर और आर टू को कर रहे हैं किसकी जगह पे? आर वन की जगह पे। ऐसा करने पे क्या होगा? फिर से किसका चिन्ह आ जाएगा? माइनस का। तो माइनस पहले से है, एक बार माइनस और आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो डेल्टा वन बराबर, बदलिए, ये तो एक्स वाई जेड चला जाएगा ऊपर, और पी क्यू आर कहाँ आ जाएगा? नीचे, और ए बी सी नीचे चल रहा है वो। अब देखिए कोई प्रभाव आ गया, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, पी क्यू आर, पी क्यू आर, ए बी सी, ए बी सी। यानी कि डेल्टा वन जो था वो किसके बराबर हो गया? डेल्टा टू के भी बराबर हो गया। यानी कि डेल्टा वन है वो डेल्टा टू के भी बराबर हो गया और डेल्टा थ्री के भी बराबर हो गया। तीनों कैसे हो गए? समान हो गए। और यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था कि बिना प्रसार किए सिद्ध कीजिए कि तीनों इक्वल हैं। हमने तीनों को क्या कर दिया? समान करके बता दिया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको प्रूव करना है ये वाला और इसकी जगह पर लेके आना है ये। तो देखिए कैसे लाएंगे इसमें, यहाँ पे देखिए ये जो लिख रहा है इसमें बी सी, देखो जिसे मैं ऐसे देखूँ, इसको बी आ रहा है दो बार, सी आ रहा है दो बार, ए बी कितनी बार आ रहा है? दो बार। सेम ऐसे ही ए आ रहा है दो बार, बी आ रहा है दो बार, सी भी दो बार, और यहाँ पे ए बी सी है। तो यदि मैं आर वन की जगह पे तीनों को जोड़ दूँ, यानी आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। बाकी आगे फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फिर जीरो बना लेंगे कॉमन लेके। देखिए R1 की जगह पे काम कर रहे हैं, तीनों को जोड़ रहे हैं, इसकी जगह पे इन तीनों को जोड़ेंगे तो देखना B प्लस सी, सी प्लस ए और ए प्लस बी। तो A कितनी बार आएगा? दो बार, 2A। B कितनी बार आएगा? दो बार, 2B। और C कितनी बार आएगा? दो बार, क्या हो जाएगा? 2C। ऐसे यहाँ पे आओ, यहाँ पे तीनों को जोड़ो, A भी दो बार, B भी दो बार, C भी दो बार, तो 2A प्लस 2B प्लस 2C। और यहाँ पे तीनों को जोड़ो तो क्या हो जाएगा? A प्लस B प्लस C, बाकी का जैसा है वैसे, C प्लस ए, बी प्लस सी, और यहाँ पे B, यहाँ पे A प्लस बी, और यहाँ पे C प्लस ए, और यहाँ पे C। आगे देखिए, वो तो मैं प्रूव करके ले गया ना इक्वल में। देखिए इनमें सब में से दो क्या ले सकते हैं? कॉमन।
दो कॉमन ले लिया, क्या बच गया a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे भी दो कॉमन ले लो, क्या बच गया a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, बाकी का जैसा चल रहा है वैसा ही, c प्लस a, a प्लस बी और b प्लस सी, c प्लस a और b और c। अब देखिए, यदि मैं आर वन में से क्या कॉमन ले सकता हूँ, तीनों में से ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी। तो आर वन से ए प्लस बी प्लस सी क्या लेने पर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी आर वन में से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया टू, यहाँ पे टू और यहाँ पे वन, टू टू वन, और यहाँ पे सी प्लस ए और बी प्लस सी और B, यहाँ पे सी ए प्लस बी और C प्लस ए और यहाँ पे C, ये बच गए। अब देखिए, अब यदि मैं इन दोनों की जगह पे जीरो बना दूँ तो एक के साथ सॉल्व कर लेंगे आराम से, प्रसार निकाल लेंगे, तो यहाँ पे जीरो कैसे बनेगी, ये तो है आपका C1, ये वाली लाइन C1 है, तो C1 की जगह पे ऐसा करिए C1 में से घटा दीजिए किसको, C2 को, इसको, दो में से दो माइनस हो क्या बच जाएगा जीरो। अच्छा, यहाँ पे जीरो कैसे बनाए C2 की जगह पे, यहाँ पे जीरो बनाने के लिए ऐसा करिए, क्या है C2, इसमें से माइनस कर दीजिए, इसमें दो का गुणा करके 2C3, यदि इसमें से घटा दे किसको, इसमें दो का गुणा करके, दो का गुणा करेंगे तो इसमें से घटाएंगे क्या आएगी जीरो। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी, ये तो चल रहा है आगे, देखिए C1 की जगह पे हम क्या क्या काम कर रहे हैं, C1 में से C2 को घटा रहे हैं, दो में से घटाएंगे दो को क्या बचेगी जीरो, C प्लस ए में से घटाएंगे B प्लस सी, C प्लस ए इसमें से घटाएंगे B प्लस सी, तो चिन्ह बदल जाएंगे, B माइनस सी हो जाएगा, क्या कट गया C से C क्या हो गया कैंसिल, क्या बचेगा A माइनस बी, ए माइनस बी नहीं यहाँ पे A माइनस बी, ऐसे ही A प्लस बी में से घटाएंगे इसको, तो ये चिन्ह बदल जाएगा माइनस का, ये भी किसका हो जाएगा माइनस का, तो A से A कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा B माइनस सी, इधर आ जाए। अब C2 में से घटाएंगे, C2 जगह पे काम कर रहे हैं, C2 में से घटाएंगे इसमें दो का गुणा करके, और दो का गुणा करो चार, और सॉरी दो, दो में से दो गया तो जीरो, अच्छा इसमें गुणा करेंगे दो का टू भी हो जाएगा, तो B प्लस सी में से घटाएंगे किसको टू बी को, तो क्या बचेगा माइनस का B और प्लस का C, तो C माइनस बी बचेगा, C माइनस बी इधर आ जाए, ये हो जाएगा टू सी, तो C प्लस ए में से घटाओ किसको टू सी को, तो बचेगा a, तो बचेगा प्लस का और माइनस का बचेगा c, a माइनस सी, और यहाँ पे वन बी सी। अब देखिए, अब ये तो हो गया जीरो, ये भी हो जाएगा जीरो, तो किसके साथ प्रसार कर दो, पहली पंक्ति के साथ r1 के साथ प्रसार करेंगे तो ओनली वन के साथ ही खुलेगा, तो क्या बच जाएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू वन, और वन के साथ इसकी पंक्ति, इसका स्तंभ छोड़ देंगे तो ये चार बच गए, इनसे गुणा कर लीजिए, यानी कि a माइनस बी का मल्टीप्लाई किसका साथ होगा a माइनस सी के साथ, और C माइनस बी का होगा B माइनस ए के साथ, माइनस चिन्ह लगेगा बीच में, C माइनस बी का मल्टीप्लाई होगा किसके साथ B माइनस सी के साथ, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये मैं थोड़ा शॉर्ट करके बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये बच गया, अब एक के साथ प्रसार खुलेगा इस प्रथम पंक्ति के साथ, यहाँ लिखते हैं आर वन के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं, तो प्रसार करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, तो एक के साथ खुलेगा इसकी पंक्ति, इसका स्तंभ छोड़ देंगे, ए प्लस बी प्लस सी आगे चल रहा है, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी जैसा है वैसा ही, अब ए का मल्टीप्लाई करेंगे, ए में ए स्क्वायर, ए का करेंगे ए में माइनस ए सी, माइनस इसका करेंगे दोनों में, इसका करेंगे दोनों में, फिर माइनस, फिर इन दोनों का करेंगे एक दूसरे के मल्टीप्लाई में, और इसको सॉल्व करके जब लाओगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, मैंने सॉल्व कर दिया है, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना, इसका इन दोनों में, माइनस बी का दोनों में, फिर इसका इन दोनों में, फिर माइनस बी का दोनों में, बाहर माइनस का चिन्ह है, अंदर के चिन्ह भी बदलेंगे, काटापिटे करेंगे तो ये आ जाएगा। इसके बाद अब ए का करेंगे इन सब में, फिर बी का करेंगे सभी में, फिर सी का करेंगे सभी में, और कटपिट के जो आएगा फाइनली वो आएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी, तो ये कैलकुलेशन है आप खुद से करें। क्वेश्चन नंबर 10वां है, इसका आपका मान निकालना है, ये तो जी है, सॉल्व कर सकते हैं आप इसको खुद ही, एक का स्क्वायर करें एक, दो का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर नौ, दो का स्क्वायर चार, नौ सोलह पच्चीस। अब इसको या तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर लें, प्रसार कर लें इसका पहली पंक्ति के साथ, या फिर और जी करना चाहें तो इसको थोड़ा सा इंक्रिया लगा दें,
जीरो जीरो बना लें, यहाँ पे यदि जीरो बनानी है तो कैसे बनाएंगे, ये है C2, इसकी जगह पे काम करें C2 में से माइनस कर दें इसमें चार का गुणा करके 4C1, चार का गुणा करेंगे इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगी जीरो। ऐसे ही C3 की जगह पे क्या करें, C3 में से घटा दें इसमें 9 का गुणा करके 9C1, तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगी जीरो। तो देखिए कैसे, तो ये सेम रहेगा 149, क्योंकि ओनली C2 और C3 की जगह पे काम हो रहा है। C2 में से घटाओ, इसमें 4 का गुणा करो और घटाओ, 4 गुणा करेंगे 4, 4 में से 4 गया तो 0, इसमें 4 का गुणा करेंगे 16, 9 में से घटाएंगे 16 को, 9 में से घटाएंगे 16 को, कितने बचेंगे माइनस के बचेंगे 7, और यहाँ पे 9 का गुणा करो, 4 का गुणा करो 36, 36 में से घटाओ 16, कितने बचेंगे 0, 2, तो माइनस के कितने बचेंगे 20। सेम इधर आ जाओ, इसमें 9 का गुणा करते जाओ घटाते जाओ, 9 का गुणा करो 9, 9 में से 9 माइनस होगा 0, यहाँ 9 गुणा करो 36, ऐसे ही कर सकते हो आप, ये भी जो भी यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगी दोनों जगह पे 0। अब बन के साथ क्या कर देंगे, फिर सारे इसकी पंक्ति इसका स्तंभ छोड़ देंगे, इनका गुणा कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि यदि W इकाई का घनमूल हो तो सारणी में कितने का मान बताइए। यदि इकाई का घनमूल हो, इकाई का घनमूल जो होता है उसमें कंडीशन 11 क्लास में पढ़ा होगा आपने, कॉम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर है आपका 5वां सम्मिश्र संख्या, उसमें आपने ये चीज़ पढ़ी होंगी कि यदि इकाई का घनमूल है W तो 1+W+W² इक्वल क्या होता था 0, और W³ इक्वल क्या होता था 1। तो जब आप ये चैप्टर 11 क्लास का मैं कोर्स शुरू कराऊंगा उसमें इसको पूरा डिटेल से बताऊंगा मैं, कॉम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर होगा तो तब आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले तो WQ का मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 1, WQ की जगह पे क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पे चल रहा है W², और यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे है 1, और यहाँ पे W, और W² और W और 1 इक्वल में क्या, इक्वल में कुछ है नहीं, इसका तो मान निकालना है। अब देखिए अब हमें इसका प्रसार करना है, लेकिन उससे पहले कहीं भी 0 बना लें तो ज़्यादा आसानी रहेगी। देखना यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 1 में से 1 घटा देंगे 0, तो C1 की जगह पे यदि C1 में से घटा दें किसको C2 को, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी 0, और C2 की जगह पे इसको घटा दें C1 को, C2 में से घटा दें किसको, नहीं इसी से काम हो जाएगा, C1 की जगह पे किसको घटा रहे हैं C2 को, ये पूरा C1 है, ये पूरा C2 है, घटाइए तो ये हो जाएगा 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0, इसमें से ये माइनस करेंगे तो W² - W, बाकी का सेम 1 W और W² W और 1। अब देखिए पहले कॉलम के साथ C1 के साथ प्रसार करेंगे, C1 के साथ क्या कर रहे हैं प्रसार करिए, तो देखिए इसके साथ 0, इसके साथ ये बाहर 0, ये तो 0 हो जाएंगे, तो किसके साथ खुलेगा W² - W के साथ, W² - W, और इसकी पंक्ति इसका स्तंभ छोड़ देंगे तो ये 4 बच गए, 1 का W से करेंगे तो W - W² के 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा W², तो देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं W, तो क्या बचेगा W - 1, इन दोनों से भी क्या कॉमन ले सकते हैं W, क्या बचेगा 1 - W, W × W क्या हो जाएगा W², देखिए यहाँ पे W - 1 है, यहाँ पे 1 - W है, दोनों को एक जैसा बनाने के लिए क्या करें इसमें से माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस का आ जाएगा आगे, माइनस कॉमन लेंगे तो 1 हो जाएगा प्लस का और W हो जाएगा माइनस का, तो 1 - W यहाँ पे भी और 1 - W यहाँ पे भी, 1 - W और 1 - W, 1 - W का क्या हो गया होल स्क्वायर, तो -W² × 1 - W का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर खोलेंगे a - b का होल स्क्वायर, तो a² + b² - 2ab, तो -W² × 1 का स्क्वायर 1 प्लस b² W का स्क्वायर करेंगे W² -2ab, 2 × W × 1, तो क्या हो जाएगा 2W। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो देखिए इधर करके बता रहा हूँ मैं, यह आ जाइए, देखिए W - W² जैसा वैसा ही इंटू, अब देखिए 1 + W² तो यहाँ से देखिए 1 + W² के यदि इन दोनों का मान निकालना चाहूँ तो W इधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं -W, 1 + W इन दोनों की जगह पे क्या रख सकते हैं -W, क्योंकि 1 + W + W² 1 + W + W² इक्वल क्या दे रखा है 0। अब यहाँ से 1 + W² का मान निकालना चाहूँ W इधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, तो 1 + W² की इन दोनों की जगह पे क्या लिख सकते हैं
माइनस डब्ल्यू, और माइनस का क्या लिख रहा है टू डब्ल्यू। अब देखिए माइनस डब्ल्यू स्क्वायर इंटू माइनस डब्ल्यू और माइनस टू डब्ल्यू, माइनस के कितने डब्ल्यू हो गए थ्री डब्ल्यू, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस थ्री, और डब्ल्यू स्क्वायर और डब्ल्यू क्या हो जाएगा डब्ल्यू क्यू, और डब्ल्यू क्यू का मान कितना है वन, तो थ्री इंटू वन आंसर कितना आ जाएगा थ्री। तो इसका मान पूछ रहा था, इसका मान निकल के आ गया कितना आ गया थ्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर सकते हैं इसको। देखिए बारहवां क्वेश्चन है, ये आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है। देखिए कैसे करेंगे, तो हमें इसको सॉल्व करके क्या लेके आना है फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, कैसे लेके आएंगे देखिए। सबसे पहले तो इसमें थोड़ा सा और जी कर लें इसको, ए स्क्वायर है यहाँ पे है बी सी, इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं सी, सी कॉमन ले लेते, यहाँ पे क्या बचेगा ए और यहाँ पे क्या बचेगा सी, ऐसे यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं ए, तो क्या बचेगा ए प्लस बी, ये बी स्क्वायर और ये ए सी, और ये ए बी यहाँ से क्यों कॉमन ले सकते हैं दोनों में से बी, तो क्या बचेगा बी प्लस सी और यहाँ पे है सी स्क्वायर। अब देखिए आर ये सी वन है, इसमें से ए कॉमन ले सकते हैं, सी टू में से बी कॉमन ले सकते हैं और सी थ्री में से सी कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए सी वन से ए कॉमा सी टू से बी कॉमा सी थ्री से सी, क्या लेने पर कॉमन लेने पर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा ए बी सी, तीनों में से अलग अलग आ गया इनटू में आ गया तीनों, तो यहाँ पे ए कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा ए, यहाँ पे ए कॉमन में चला गया क्या बच गया ए प्लस बी, और ये भी कॉमन में चला जाएगा ए, तो क्या बचेगा ओनली बी, यहाँ पे क्या बचेगा सी बी बी प्लस सी, यहाँ से सी कॉमन में चला गया तो क्या बचेगा ए प्लस सी और सी और नहीं ए ए और यहाँ पे सी, ये बच गया। अब देखिए अब हम कैसे भी करके दो जगह जीरो बना और इसको प्रसार कर दो, तो देखिए यहाँ पे जीरो बनानी है तो कैसे बनाएं, यहाँ पे यदि जीरो बनानी है तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा दो, इन दोनों को जोड़ के ए और सी को जोड़ के इसमें से घटा देंगे ए प्लस सी में से, तो ए प्लस सी में से ए प्लस सी घटेगा तो क्या बन जाएगी यहाँ पे जीरो, ठीक है यही काम करो। तो आगे चल रहा है ए बी सी, पहले तो लगाओ क्या लगा रहे हैं वो लिखो, यहाँ पे सी वन की जगह पे हम लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं कि सी वन और सी टू दोनों को जोड़ के घटा देंगे किस में से सी थ्री में से, तो यहाँ पे C1 और C2 दोनों को जोड़ के A प्लस सी, दोनों को जोड़ के A प्लस सी में से माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगी जीरो, तो C1 और C2 दोनों को जोड़ेंगे फिर और किस में से घटा देंगे C3 में से। तो देखिए आगे जो A B C चल रहा था वो तो जैसा वैसा ही, तो यहाँ पे काम कर रहे हैं C1 की जगह पे क्या कर रहे हैं इन दोनों को जोड़ो तो A प्लस सी हो गया और घटाओ A प्लस सी में से तो यहाँ पे तो क्या बन जाएगी जीरो। सेम टू सेम यहाँ पे आओ इन दोनों को जोड़ो तो A प्लस टू भी हो जाएगा, ये इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस टू बी, और इसमें से घटाना है किसको सी थ्री को यानी ए को, ऐसे कट जाएगा क्या बचेगा टू बी, ऐसे यहाँ पे आ जाओ यहाँ पे इन दोनों को जोड़ो तो क्या हो जाएगा टू बी प्लस सी, टू बी प्लस सी इसमें से घटाओ सी थ्री, सी थ्री क्या है सी, सी से सी कैंसिल क्या बचेगा टू बी। अब देखिए यहाँ पे ये भी आसानी होगी, इन दोनों को घटा देंगे तो क्या बन जाएगी यहाँ पे भी एक जगह जीरो बन जाएगी आराम से प्रसार कर लेंगे, और आगे का जैसा वैसा ही सी बी सी बी बी प्लस सी और ए प्लस सी और ए और सी। अब देखिए अब यहाँ पे ये है R2 वाली लाइन और ये है R3 वाली लाइन, तो R2 में से किसको घटा दें R3 को, तो यहाँ पे भी एक जगह क्या बन जाएगी जीरो, तो R2 की जगह पे क्या हम कर रहे हैं क्या R2 में से घटा रहे हैं किसको R3 को, तो A B C जैसा वैसा ही जीरो C A प्लस सी, ये जैसा वैसा R2 की जगह पे इसमें से इसको घटाएंगे क्या बन जाएगी जीरो, इसमें से घटाएंगे इसको B में से घटाएंगे B प्लस सी को, तो माइनस सी हो जाएगा क्योंकि आगे माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल और माइनस का C बचेगा यहाँ पे, और ऐसे ही यहाँ पे घटाओ A में से घटाएंगे C को तो क्या हो जाएगा A माइनस सी, बाकी का सेम 2B B प्लस सी और C। अब इसका तृतीय जो फर्स्ट जो कॉलम है इसके साथ क्या कर देंगे प्रसार कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे दो जीरो बन चुके हैं ऑलरेडी, तो C1 के साथ क्या कर देंगे C1 के साथ क्या कर रहे हैं प्रसार करिए, तो A प्लस ए बी सी तो जैसा वैसा ही, तो ये तो दोनों के साथ जीरो हो जाएगा तो ओनली क्या बचेगा 2B, यहाँ पे आ जाएगा 2B, इसकी पंक्ति इसका स्तंभ छोड़ दिया तो ये चार रह गए, तो C का मल्टीप्लाई होगा A प्लस सी के साथ, C का मल्टीप्लाई होगा A माइनस सी के साथ, और
माइनस माइनस सी का मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, ए प्लस सी के साथ, तो ये निकल के आ जाएगा ए बी सी इंटू टू बी इंटू, देखिए सी का ए में करेंगे तो ए सी, और सी का सी में करेंगे तो माइनस का सी स्क्वायर, और माइनस आगे चल रहा है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, सी का ए में करेंगे तो ए सी, और सी का सी में करेंगे तो प्लस का सी स्क्वायर। अब देखना प्लस का सी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर क्या हो गया, कैंसल, ए सी ये रहा और ए सी ये रहा, ए सी और ए सी कितने ए सी हो गए, टू ए सी, तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा, मैं इधर करके बता रहा हूँ इसको, यहाँ पर ए बी सी है, ए बी सी इंटू टू बी इंटू ए सी और ए सी कितने ए सी हो गए, टू ए सी, तो ए बी सी इंटू टू टू जा फोर, और ए बी सी फोर ए बी सी और ए बी सी तो फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये हमें क्या चाहिए था इधर प्रूव करके लाना था, और ये हमारा आ चुका है। आपको एक डिटरमिनेंट दे रखी है ये वाली, इसमें ए वन बी वन सी वन जो है कैपिटल में वो इसके आपको फैक्टर हैं यानी कि सेकंड है, और ये इसके अवयव हैं, तो आपको ये प्रूव करना है कि डेल्टा स्क्वायर बराबर ये होता है। तो देखिए कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने मान लिया एक डेल्टा डैश मान लिया अपनी तरफ से, ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू ए थ्री बी थ्री और सी थ्री, ये मैंने अपनी तरफ से मान लिया एक डिटरमिनेंट मान ली है, और ये इसमें सारे क्या हैं सेकंड। अब देखिए, अब यदि मैं डेल्टा का और डेल्टा डैश का मल्टीप्लाई करूँ, यदि हम कर रहे हैं डेल्टा का और डेल्टा डैश दोनों का मल्टीप्लाई, रखिए डेल्टा क्या होता है, क्या दे रखा है ए बी सी नहीं ए वन बी वन सी वन ए टू वी टू सी टू ए थ्री बी थ्री और सी थ्री इंटू, और डेल्टा डैश क्या है ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू ए थ्री बी थ्री और सी थ्री। अब इन दोनों का यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए डेल्टा इंटू दो जो डिटरमिनेंट्स होती हैं उनका मल्टीप्लाई कैसे होता है, पहली पंक्ति का पहली पंक्ति में, फिर दूसरी में, फिर तीसरी में। जब पहली पंक्ति का पहली पंक्ति में करेंगे तो क्या आएगा, ए वन ए वन प्लस बी वन बी वन प्लस सी वन सी वन, लेकिन जब पहली का दूसरी में करेंगे तो क्या आएगा, ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू, यानी कि किसी एक पंक्ति के या फिर किसी एक स्तंभ के अवयव का मल्टीप्लाई उसी पंक्ति या उसी स्तंभ के को फैक्टर यानी कि सेकंड के साथ करें तो उसका मान एक सारणी का मान आएगा डेल्टा। यदि किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ का मल्टीप्लाई उसी किस अन्य पंक्ति या अन्य स्तंभ के सेकंड के साथ करें तो उसका मान जो होगा वो क्या होगा, जीरो। ये आपकी बुक में दे रखी है प्रमेय नंबर सात, वहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं कि यदि किसी एक पंक्ति किसी एक स्तंभ के किस अवयव का मल्टीप्लाई अन्य पंक्ति या अन्य स्तंभ के सेकंड के साथ करें तो उसका मान क्या आएगा, जीरो। अब देखिए ए वन बी वन सी वन का करेंगे ए वन बी वन सी वन के साथ तो पहली अपनी पंक्ति का अपने इस पंक्ति के ही सेकंड के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि इसका करेंगे दूसरी पंक्ति के सेकंड के साथ तो क्या आ जाएगा, जीरो। ती के साथ करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, जीरो। अब इसका पहली के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। और इसका यदि अपने ही जो सेकंड है उनके साथ करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा का मान आएगा। तो क्या आ जाएगा, ए टू ए टू प्लस बी टू बी टू प्लस सी टू सी टू, और इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। ऐसे इसका साथ किसके साथ, जीरो जीरो, और इसके इसके साथ करेंगे तो ये मान आ जाएगा ए थ्री ए थ्री प्लस बी थ्री बी थ्री प्लस सी थ्री और सी थ्री। अब देखिए डेल्टा इंटू डेल्टा डैश बराबर, तो यहाँ पे ये किसका मान हो गया, डेल्टा का, यानी कोई साढ़ने का मान हो गया डेल्टा, और जीरो 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 डेल्टा जीरो और जीरो जीरो डेल्टा, इस तरह। अब देखिए आगे मैं यहाँ करके बता रहा हूँ इसको थोड़ा साइड में, तो डेल्टा इंटू डेल्टा डैश, डेल्टा इंटू डेल्टा डैश बराबर, देखो पहली पंक्ति में से डेल्टा कॉमन ले सकते हैं, दूसरे में से भी डेल्टा और तीसरे में से भी डेल्टा, तो डेल्टा क्यू हो जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा, वन जीरो, इकाई मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स जैसा बन जाएगा, उसको साढ़ने को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, वन ही आएगा। अब देखिए डेल्टा की एक पावर से एक पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल, तो डेल्टा डैश इक्वल क्या आ जाएगा, डेल्टा स्क्वायर। अब डेल्टा डैश का क्या रख देंगे यहाँ पे मान, डेल्टा डैश हमने क्या माना था, ये वाला, इसका मान रखो तो डेल्टा स्क्वायर इक्वल, डेल्टा डैश का मान रख दो ए वन बी वन सी वन ए टू
बी टू सी टू ए थ्री बी थ्री और सी थ्री। तो जो हमें प्रूव करना था वही हमारा यहाँ पे आ चुका है।